नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ लाइव में हूँ आप सब खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। दोस्ती में धोखा, डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करा। 5 लाख रुपए की रकम वसूलने वाले साथी व सहयोगी डॉक्टर सहयोगी युवती गिरफ्तार। बलात्कार का केस दर्ज करा। एक साथी फिजियोथेरेपी डॉक्टर से 5 लाख रुपए की रकम वसूलने वाले डॉक्टर और एक युवती का को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से दी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। पीड़ित और आरोपी दोनों मित्र हैं। दोनों ने साझे में फिजियोथेरेपी सेंटर चलाने के लिए एक जगह तलाश की थी। पुलिस ने ये कार्रवाई DCP के आदेश पर की। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। पलवल के एक गांव में अरवा निवासी रविंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह खेती बाड़ी का काम करते हैं। मेरा भतीजा प्रदीप रावत फिजियोथेरेपी का डॉक्टर है। वह पवन अस्पताल में सेक्टर 56 में नौकरी करता है। उसने IT-3 में डॉक्टर विनोद कौशिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक के सामने अपना खुद फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोलने के लिए एक जगह देखी है। डॉक्टर विनोद कौशिक व प्रदीप रावत आपस में एक दूसरे के अच्छे जानकार थे। पुरानी रंजिश में हत्या। चचेरे भाई ने ऑटो चालक की चाकू से गोद कर दी हत्या। बाइक पर सवार होकर आए थे आरोपी पुरनीपुरी जा रंजिश में अंगनापुर गांव के एक युवक ने अपने चचेरे भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गांव अनंगपुरा निवासी गौरव भंडा के रूप में हुई है। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अभी लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मृतक के भाई सोनू ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह टोंडा मोहल्ला गांव अंगनपुर का रहने वाला है। मेरा दूसरा मकान मियाकनी मोहल्ले में है। वहीं पर चाचा सुभाष का भी मकान है। यहाँ चाचा सुभाष का बेटा अंकित भी रहता है। सोनू का आरोप है कि बुधवार की रात चचेरे भाई अंकित फोन पर गाली गलौज कर रहा था। कहना लगा कि यहाँ आ जा, आज ही फैसला हो जाएगा। अब सोनू ने फोन काट दिया। रात करीब 1:30 बजे सोनू का भाई गौरव और माँ मोहल्ले में आ गए। अंकित के मम्मी पापा रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अंकित अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया। संजय राउत की जमानत पर सुनवाई 2 नवंबर तक टली। नवाब मलिक भी जेल में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका CBI कोर्ट ने खारिज कर दी है। वही शिवसेना सांसद संजय राउत भी की भी जमानत याचिका पर सुनवाई टली है। इस पर सुनवाई अब 2 नवंबर तक होगी। पिछले दिन NCP नेता नवाब मलिक की जमानत अर्जी पर खारिज हुई थी। तीनों नेता मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में हैं और तीनों ने दिनों की दीपावली यही मनेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप है। इसी मामले की जांच CBI कर रही है। 71 साल के देशमुख ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया है, जिसमें 4 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद भी देशमुख ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में जमानत अर्जी दी थी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार।